कि देखो कोई इंडियन तो जीत नहीं सकता, इसे बाहर वाले को ले आते हैं जिसको थोड़ी बहुत हिंदी आती है। एरन लैंग से कंपेयर कर लो। मैं हेड जज से बात की, बोल रहा था हमारा शेप कंडीशनिंग एवरीथिंग इज गुड बट कुड हैव हैड अ लिटिल बिट लेस वाटर यू नो। मैं अब से इंडिया आऊं, इट्स अ ब्यूटीफुल 6 हफ्ते आपके साथ ट्रिप करूं, मेरे को ट्रेनिंग करो पूरा अमेरिका उधर से। हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग? दुआ करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वीडियो में बात करते हैं IFBB प्रो अली बिलाल और बुहन चौहान की। तो गाइज अभी हाल ही में यूरोपो प्रोसो स्पेन में हुआ था, जिसमें अली बिलाल मेंस फिजिक कैटेगरी में पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें अली बिलाल की सेकंड प्लेस आई थी। और अभी एक हफ्ते पहले वीकेंड प्रोसो हुआ था, जिसमें अली बिलाल की फर्स्ट प्लेस आई थी और ओलंपिया के लिए अली बिलाल क्वालिफाई हो गए थे। और अली बिलाल यूरोप प्रोसो के बाद इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, जिसमें सिद्धांत जायसवाल के साथ लाइव आए थे। तो अली बिलाल के यूरोप प्रोसो के बारे में क्या थॉट है, और अली बिलाल और भी किसी प्रोसो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं कि नहीं, इसी के साथ अली बिलाल ने इस लाइव में और भी कई सारे खुलासे किए हैं। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। Yeah, man, it was a very, very tough show, you know, like, but they didn't move Nikki ahead, like, no? So, I had just about people with my shape, conditioning, everything is good, but could have had a little bit less water, you know? Okay, yeah. Okay, so, matlab, he was more dried as compared to you. Judges ne aisa bola. Yeah, aisa bola, par uska back dry tha, ra? Back uska bahut acha, it's undeniable, you know? Right. I beat him from the front, he beat me from the back, so, and right. Men's physique back is really important as well, you know. But it was good show. Competition be Spain mein tha, wo bhi Spanish hai, but it also helps a lot, you know, and he But acha show tha, kaafi acha show tha. Maza aa gaya. Full enjoy. So what is next? Abhi kya? Nahin, aise harne ka na, aisa, banda aisa hare na. रियल लाइफ और फोटो में तो बहुत फर्क पड़ता है ना। अभी क्या नेक्स्ट? नेक्स्ट शो नेक्स्ट घर जाके रिलैक्स, खाना पीना, फिर उसके बाद ओलंपिया। नहीं दुबई खेलोगे ना? नहीं दुबई तो मारो गोली यार, खेलोगे नहीं, थक गया हूँ यार honestly, मैं ओलंपिया पे फोकस करना चाहता हूँ ना, क्योंकि 6 हफ्ते रह गए यार सारे, टाइम नहीं है ना। कोई नहीं, दुबई नहीं जाओगे फिर इंडिया आना, और क्या? हाँ इंडिया आना फिर। इंडिया कब? अरे तो एमएचओर ओलंपिया, मेरे को स्पॉन्सर करो, मेरे को स्पॉन्सर करो कि मैं प्रेप आपके पास आके करूं ओलंपिया का। ठीक है मैं अपने स्टोरी पे डाल देता हूं, अली भाई लुकिंग फॉर स्पॉन्सरशिप फॉर मुंबई फूड शो। नहीं मुंबई शो के नहीं, थी ओलंपिया प्रेप के लिए ना, कि मैं अगले हफ्ते इंडिया आऊं, 6 हफ्ते आपके साथ प्रेप करूं, मेरे को ट्रेनिंग करो पूरा अमेरिका उधर से। तो नेक्स्ट अपडेट IFBB प्रो बुहन चौहान की तरफ से आ रही है। तो गाइस बुहन चौहान भी इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, जिसमें बुहन चौहान काफी सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देते हैं। और बुहन चौहान बताते हैं कि मुंबई प्रोसो में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, और इसी के साथ बुहन चौहान अली बिलाल और इंडियन बॉडी बिल्डर्स के बारे में भी कुछ कहे। तो चलिए वीडियो में बुहन चौहान से ही सुन लेते हैं। तो बी पैड रिकॉर्ड, सो चाहे वो किसी बाहर से किसी को लेकर आए या कुछ भी कर ले, खुद तो बीट नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप किसी बाहर की कंट्री को लेकर आ जाओगे और फिर बोलोगे कि देखो कोई इंडियन तो जीत नहीं सकता, तो किसी बाहर वाले को ले आते हैं जिसको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, तो फिर तो यू नो सीधा एरन लैंग से कंपेयर कर लो। जो लोग ये सब देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि सूअर झुंड में आते हैं और शेर अकेला होता है। जब वो खुद बीट नहीं कर सकते, इसलिए दो दूसरों के पीछे जाके सोचते हैं झुंड बना के मेरी से अटैक करेंगे। खुद तो अटैक कर नहीं सकते वन ऑन वन, सो किसी और के पीछे छुप के अटैक कर लो, करने दो, अभी उनकी पुश्तियाँ लग जाएंगी 6 प्रो शो विन करने में। लेट्स बी रियल, आई एम सो 29, अभी 10 साल और कम्पीट करना है मेरे को, 10 साल में और कितने मैं शोज जीतूंगा,
माय प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर इज टू जस्ट वेट फॉर द वेट कैप. जब वेट कैप से लोग निकालेंगे आई नो एग्जैक्टली कि मुझे कितना ग्रो करना है एंड देन आई जस्ट हैव टू हिट दैट नंबर. सो आई एम वेरी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. आई थिंक इट्स गोना बेनिफिट पीपल लाइक मी टू नो एग्जैक्टली हाउ मच वी नीड टू ग्रो. तो उसका एक बार आ जाएगा जब जब वो वेट कैप आ जाएगी उसके बाद आप बना मेक माई न्यू गोल्स. अरे यार कितने शो कराओगे? आई हैव डन लाइक 7 शोज इन 12 मंथ्स. आई डोंट थिंक मुझे तो अभी आज तक किसी कोई ऐसा और इंडियन दिखा नहीं जिसने 7 शो करे हो 12 महीने में. आई मीन आई हैव लिटरली डन 7 शोज. दिस विल बी माई 8th शो इन 12 मंथ्स. सो दैट्स क्रेजी 8 शोज इन 12 मंथ्स. तो 12 महीने में आई हैड नो ऑफ सीजन नो चिल दिस 8 शोज बैक टू बैक टू बैक. सो आई वांट टू टेक सम नाइस ऑफ सीजन टाइम ऑफ विद ओलंपिया बट मे बी विल डू द इंडिया शो विल सी मे बी आई विल कम एंड डू इट. तो गाइस आप सभी लोग IFBB प्रो और ओलंपिया क्वालिफाई वुहान चौहान और अली बिलाल के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइए. लेकिन आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें.